खबर राजस्थान के सुमेरपुर से, जहां बलाना टोल नाके पर फास्टैग काम नहीं करने से बस चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बस चालक ने कहा कि फास्टैग लगने के बाद भी 100 रुपये रोजाना देने पड़ते थे। पूरे मामले को लेकर बस चालक और टोल कर्मियों के बीच में विवाद हुआ है, जिसके बाद मैनेजर ने आकर मामले को शांत कराया। करीबन 15 से 20 मिनट के बाद टोल कर्मियों ने फास्टैग काम करना शुरू किया। आपको बता दें कि टोल नाके पर पहले भी इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आ चुकी है। सुमेरपुर से अरविंद कुमार जोशी की रिपोर्ट। ये तू कर रहा है, बोलना है, झगड़ा नहीं करना है।